जग जननी जय महामाया। जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय चक्र सुदर्शन धारी। तेरी सिंह की माता सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी। जाना खाना में है रोज बात, पूरा गिरी में जली रे गोद। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मावड़ी के व्लॉग्स में। अभी सुबह के 11 बजे, तो आज नाश्ता हमारा लेट बन रहा है क्योंकि थोड़ा घर में पूजा पाठ करी हल्की पुल्की, और मतलब वैसी वाली रोज ही करते हैं, तो आज दिवाली के उपलक्ष्य में थोड़ा सा अच्छे से करी, और शाम को फिर दोबारा करेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। और आज तो दिन भर बिजी रहने वाले हैं सारे बच्चे बड़े सब लोग, क्योंकि दिवाली का दिन होता है ऐसे, और कितने चक्कर बाहर भी जाना पड़ता है मार्केट में कुछ कुछ सामान लेने के लिए। तो आज नाश्ता लेट हो गया, मतलब बन रहा हमारा नाश्ता, और नाश्ते में मेरे बच्चे बना रहे हैं। आज बच्चे कह रहे हैं हम बनाते हैं नाश्ता, आप लोग आराम से नाश्ता करो गर्म गर्म। तो बच्चे क्या नाश्ता बना रहे हैं मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है अंदर से, बहुत ही ज़्यादा इतनी खुश हो रही हूँ मैं। और बाल मैंने नहीं बनाए, मैं तो वीडियो में ऐसे ही आ जाती हूँ, जो मैंने कपड़े पहने होते हैं जैसे होती हूँ वैसे ही आ जाती हूँ मैं, और पता नहीं ख़राब लगता होगा पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे, मैं कुछ सोचती हूँ कि जैसे हूँ वैसे ही आ जाऊँगी। पर मेरे को एक दो जनों ने बोला तो मैं अब ध्यान रखूँगी थोड़ा बहुत, पर इतना तो मैं नहीं करती हूँ कि मैंने वीडियो बनानी है तो मैं अच्छे से आऊँ या नहीं आऊँ, पर घर का काम भी करना होता है तो मैं जैसी होती हूँ मैं वैसी ही आ जाती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं अच्छे से आऊँ आपके लोगों के सामने। अगर आप लोगों को
मैं बहुत बार मेरा सूट जो है रिपीट भी हो चुके हैं मेरे, तो आप लोग बताना कि मेरे को अच्छे से आना है या फिर मैं जैसी हूँ वैसी आ जाऊँ, वैसी वीडियो बना लूँ, वैसा ही ब्लॉग शुरू कर दूँ, तो आप लोग ज़रूर बताएं। और आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपके घर में शुभता आए, आपके हर दिन खुशी से निकले और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, लक्ष्मी जी की आप पे बहुत सारी कृपा हो, आपके घर में धन की वर्षा हो, आपके बच्चे और आप बहुत सारी तरक्की करें, ये प्रार्थना मैं ईश्वर से करती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने बच्चों को दिखाती हूँ, वो किचन में नाश्ता बना रहे, तो बच्चे मेरे यहाँ पे बना रहे हैं हमारे लिए, ये बन रही है हमारी पूड़ियाँ और इधर दीपिका बना रही है, बेटा मेरा ये हिला रहा है ऐसे, मतलब तल रहा उनको पूड़ियों को। तो क्या बन रहा बच्चों आज? आज बनी आलू की पूड़ियाँ दिवाली के फंक्शन में, दिवाली के फेस्टिवल के लिए। बैंगलोर में काफ़ी बार दीपिका ने जब भी बनाई बहुत तारीफ हुई, तो हमने सोचा कि इस बार मम्मी पापा को भी खिलाते हैं दिवाली के दिन, तो आलू की पूड़ियाँ तली जा रही हैं। हाँ, तो बना रहे हैं बच्चे और इसके साथ हमने बना रखी है हरी चटनी, बच्चे बोले कि वो टेस्टी लगती है क्योंकि सब्जी तो है ही पूरी है, ये आलू की कचौरी भी बोल सकते हैं और हम बोलते हैं आलू भरी हुई पूरी, ऐसा बोलते हैं हमारे कुमाऊं भाषा में उत्तराखंड में, तो ये असल में है आलू कचौरी, तो टेस्टी बन रही होंगी क्योंकि दिख भी रही है टेस्टी और जो मसाला बना रखा वो भी टेस्टी है। तो बच्चे बना रहे हैं, मेरा पेट तो वैसे ही भर गया, बच्चे बोले कितनी खाओगे, मैं बोली भैया मेरा तो खुशी के मारे पेट फुल हो गया है, पर मैं खाऊंगी 5, 6, 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितनी खाऊंगी, ठीक है ना? चलो बेटा बनाओ, अब पहले तुम्हारे पापा जी को देते हैं, उसके बाद हम सारे एक एक करके सब खाएंगे, चलो आज देखते हैं। और बन भी रही है अच्छी, देखो कितनी अच्छी सुंदर लग रही है, देखो गर्मा गर्म, आप लोग भी आ जाओ सारे लोग आ जाओ जल्दी से जल्दी, ये देखो वाह बन रही है, उतनी अच्छी है कैमरे में नहीं दिखती, मैं कोई भी चीज़ उतनी अच्छी कैमरे में नहीं दिखती, मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, पर बहुत अच्छी बन रही है। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं फिर आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे भोजन करने के लिए बैठे हैं और जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया मेरे बच्चे बना रहे हैं आज, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, और ये बच्चों के पापा बैठे हैं यहाँ पे भोजन करने के लिए, तो इनसे मैं पूछ लूँ, इन्होंने टेस्ट कर लिया है, मैंने अभी टेस्ट नहीं करा, तो कैसा बना हुआ है बताना ज़रा। पहले तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं, और आज दिवाली का त्यौहार भी मैं तो ये कहूँगा बड़ी धूमधाम से मनाएं आप लोग, अपने बच्चों के साथ दिवाली खूब इंजॉय करें, और अगर आप वैसे तो पटाखों का बहन है, अगर आप लोग पटाखे हटाए जलाते हो तो बच्चों का ध्यान रखते हुए पटाखों को जलाएं, और नहीं तो जो वो है तुम्हारा ये वो दिए जलाया करें, दिए इससे बड़ी अच्छी वो जलती है, दिवाली अच्छी रहती है, और बच्चों के साथ खूब इंजॉय करें, और लास्ट में यही कहूँगा कि आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो भोजन कर रहे हो भोजन बना रखा बच्चों, रही बात भोजन की, भोजन बहुत टेस्टी है, मेरी बहू बना रही है आज, आज का हमारा उसकी पहली हुआ है दिवाली हमारे घर पे, तो बहुत टेस्टी बनी हुई है, चटनी दो दो किस्म की चटनी बना रखी है उसने, बहुत खाना भी ये होता है कि खाना अगर जो आदमी मन से खाना बनाएगा तो उसमें टेस्ट जरूर होता है, अगर जैसे लोग बाहर का होटल में ऐसे इस तरीके का खाना खाते हैं तो उसमें लोग ढाबे में ये तो उतना टेस्ट नमक मिर्च का टेस्ट जरूर होता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता, घर पर ही इंसान जो बनाता है बहुत दिल खोल के बनाता है, खुश होकर बनाता है, तो खाने में भी ऑटोमेटिक उसमें टेस्ट होता है, नमक मिर्च तो ऊपर नीचे वो कोई बात नहीं। खाना दीपिका ने प्लेन पराठे बनाए थे तो अच्छे हो रहे थे, कहा दीपिका तो बोला नहीं तुमने। हाँ तो आपको दिन निकल गया, तो अभी बोल दो दीपिका ने एक दिन पराठे बनाए थे। हाँ ठीक है, मेरी बहू ने दीपिका ने एक दिन बहुत पराठे बनाए थे, बहुत टेस्टी पराठे थे, बहुत अच्छे पराठे बनाए थे, लेकिन तो आज भी इसी तरीके से आज भी बहुत अच्छा गेड़ू जिसको लगड़ बोलते हैं हमारे पहाड़ी में, लगड़ हमारे पहाड़ी में इसको लगड़ बोलते हैं, यानी कि रोटी के वो बनाए आलू का रोटी के अंदर डाल के जैसे गेड़ू भट वैसे ही लगड़ बना के आलू वाले, तो बहुत टेस्टी हैं, और चटनी भी दो दो किस्म की रखी है, मज़ा आ रहा है खाने में भी, आप भी लोग चलो आप भी लोग आ जाओ आप सारे घर पे हमारे पूरी खाने के लिए, सही में टेस्टी दिख रही है, मेरे को तो वैसे भी बना बनाया मिल जाता है कुछ भी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है,
तो चलिए मैं भी भोजन करती हूँ और बच्चे बना रहे तो वो बाद में खाएंगे, बोल रहे हैं आप गरम गरम खाओ, तो चलो हम खाते हैं गरम गरम और बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो नाश्ता हो गया, नाश्ता यानी कि दिन का खाना भी हम सबका हो गया है और अब हम कर रहे हैं सजावट, यानी कि दीपिका बना रही है रंगोली और घर को भी सजा रहे थोड़ा सा फूलों से, और बाकी सारी तैयारी शाम तक की जो होती है वो सारी तैयारी हम अभी कर लेंगे। तो दीपिका और रवि साथ साथ लगे हुए हैं, तो मैं बोली हूँ बेटे को कि बेटा तू भी शादी कर ले, ये वाला बेटा, ये वाला वो छोटा है अभी, मेरी बात हो रही है। हाँ, मैं बोली हूँ कि बेटा तू भी शादी कर ले, तुम दोनों भी लगे रहोगे इसी तरह काम करके, मुझे भी अच्छा लगेगा, तो समझाओ इसे, कमेंट करके बताना शादी। सब लोग अगर इस वीडियो पे 1.5 लाख कमेंट आएंगे तो मैं 2 दिन के बाद शादी कर लूंगा, और अगर 10 आएंगे तो फिर अगले महीने नहीं, और जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब लोगों को शादी में इनवाइट किया जाएगा। अभी सब्सक्राइबर कम कम है, लेकिन अगर बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर और भी अच्छा लगेगा हमें सबको बुलाने के लिए। कमेंट करो और मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोली है बताना। सही बोल रही मम्मी, मेरे बेटे ने शादी करी तो दोनों बहू बेटे काम कर रहे साथ साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा और मुझे सुख भी मिल रहा है और मुझे खुशी कितनी हो रही है इन लोगों को भी नहीं पता, मुझे ही पता है मुझे कितनी खुशी हो रही है। हमें भी खुशी हो रही है, भाभी आई है हमारी नई नई, भाभी बढ़िया बढ़िया खाना बना के भी खिलाती है। हाँ, और दीपिका ने काम सीखा होगा नहीं सीखा होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा भी बता देती हूँ तो अच्छे से काम को कर लेती हैं और बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं करती हूँ वैसा ही काम, बिल्कुल बताना नहीं पड़ता दोबारा, और बहुत अच्छा लग रहा मेरे को क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों ने काम करना नहीं सीखा था इन्होंने, मतलब हमने इनको नहीं सिखाया और अब कर लेते थोड़ा बहुत पर उतने अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन दीपिका जो है एक ही बार, वैसे भी होता है लड़कियों का कि लड़कियों का अनुभव थोड़ा सा अलग होता है, तो वो जो भी काम बताओ तो थोड़ा सा बता के बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं क्लीन काम करती हूँ, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ अपना, मतलब मैं तो घर का ही काम करती हूँ लेकिन दीपिका भी अच्छे से काम कर देती है। और आज जो हमें भोजन कराया और इससे पहले भी कितनी बार बना दिया तो बहुत अच्छा बनाती है, तो मैं ये नहीं कि भोजन बनाया इसलिए खुश हूँ, लेकिन त्यौहार पर हम सारे लोग यहाँ पे हैं तो मुझे उस बात की खुशी है। और मेरे बीच वाले बेटे के लिए कमेंट करना कि ये जल्दी से जल्दी शादी करे, थोड़ी तारीफ तो करो फिर तभी तो रिश्ते आएंगे। बहुत अच्छा बेटा है, सब बेटे मेरे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। ये अपना वो बता रहा है, क्या बोलते हो उसको, क्या क्वालिटीज अपने अंदर, बायोडेटा बायोडेटा बता रहा है ये, वो हाँ। तो वो जो होगा लड़की होगी वो खुद ही पूछ लेगी जो भी पूछना होगा, पर शादी कर देनी चाहिए ना मेरे बेटे को, करनी चाहिए। हाँ, तो आप बताओ अगर ये भी शादी कर लेगा तो ये दोनों भी काम करेंगे। अब दीपिका और मेरा बेटा दोनों साथ में काम कर रहे हैं, अब ये साइड में देखो अपने लैपटॉप खोल के ऑफिस का काम करने लग गया है, अगर इसकी भी शादी होगी होती तो ये भी काम करता नहीं करता, बताओ जरा आप। तो कमेंट करके भर भर के कमेंट, 10-10, 12-12 कमेंट एक लोग आप करना कि मम्मी को बहू ला के दो और घर में शादी करो, ज़्यादा माहौल खुशी का माहौल बनेगा। अब बड़ा बेटा क्यों नहीं बोला मेरा कुछ, करनी चाहिए ना शादी। हाँ, करनी चाहिए। हाँ, फिर अब 1 साल के अंदर, पिछली बार मम्मी ने दिवाली पे बोला था मेरे को, मैं 4 साल से बोली थी अपने बेटे को और मैं गुस्सा भी हो जाती थी कि बेटा मैं रो रो अकेले कैसे करूँगी, क्योंकि चाहे बेटी है बहू है लक्ष्मी का रूप होती है, तो हमारे घर में लक्ष्मी आई है और बहू की पहली दिवाली है दीपिका की, और वैसे भी हर रोज ही लक्ष्मी के रूप होती है कोई भी औरत, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी की बात है। और सुबह से लगे हुए काम पे और आज शाम तक जब तक पूजा पाठ नहीं होगी तब तक बिजी रहना है सब लोगों ने, और तो मुझे इसलिए खुशी हो रही है भैया काम बट गया है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बेटे को कि बेटा तू भी कर ले, कि थोड़ा थोड़ा काम तुम भी कर लोगे। काम तो कर रहे हैं हम, इस बेटे की अभी थोड़ी सी अभी और लेट है, थोड़ा सा हो तो गया, वो भी शादी लायक हो भी गया है पर उसका थोड़ा सा टाइम है अभी, अभी इसका करना है, इसको इसकी इसकी शादी करनी है मेरे को। मिस ही आ रही है मम्मी को मेरे पे। हाँ, वो ना कैसा प्यार भी है गुस्सा भी है, तो भैया जरूर कमेंट करके बताना कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मेरे बेटे को, जल्दी से जल्दी। अगर लोगों ने बोला नहीं करनी चाहिए फिर मारूंगी उनको मैं वहीं जाकर। अरे यार, तो लोग डर के एक ही बात बोलेंगे फिर। नहीं नहीं, करनी सच बोले, करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए, ये बोल मैं, ये नहीं करनी चाहिए थोड़ा ना पूछ लूं, कोई कोई बोल भी सकते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं, अपने मेरे जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं तुम लोगों को पता है ना क्या कमेंट करना है, वही कमेंट करना, मैं वहीं जाके मारूंगी उनको भी। हाँ, मैं सीधे वीडियो में बोल रही हूँ, सब बोलेंगे शादी करनी है ठीक है, चलो
दिवाली विश कर दो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को। हैप्पी दिवाली सभी को। वीडियो को सब लोग अच्छे से सब्सक्राइब करो, और इतना सारा मम्मी ने बोला है आज तो कमेंट भी कर ही देना। इतना प्यार दिया हमको, आप मम्मी को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके। आप सब लोगों के लिए जो आप मेरे बच्चे के बराबर के हैं, सबको मेरा बहुत सारा ढेर सारा प्यार है। और जो बच्चे शादी लायक है भैया, प्लीज़ 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 बच्चों शादी कर लेना, मम्मी पापा की बात को मानना चाहिए। और बुढ़े हो जाओगे फिर बच्चों के तुम मम्मी पापा नहीं दादा दादी लगोगे, ये मैं सबको बोल रही हूँ। इसलिए जो भी शादी लायक बच्चे हैं, आप किसी के मम्मी पापा नहीं चाहते कि उनके बच्चे बुढ़े हो जाए, तो शादी कर लेना बेटा प्लीज़। और मेरे बेटे को भी कमेंट दो कि ये शादी करे जल्दी से, शादी करेगा लेकिन ये नहीं कि लेट नहीं करनी है। और मेरे बड़े बेटे ने भी बड़ी मुश्किल से मानी, और भगवान ने चाहा तो जल्दी जल्दी शादी हो गई, पता भी नहीं चला कब बातचीत हुई कब शादी हुई। तो कितनी खुशी हो रही है, दोनों प्यार से रहते हैं, ऐसे प्रेम इन दोनों का बने रहे और इतने प्रेम से रहेंगे तो सारी खुशियाँ अपने आप आ जाती है घर में। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा बाहर सजावट कर रहे हैं मेरे बच्चे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। भलू लगा दू मोहना तेरो हंसी हंसी बचनो रे भलू।